हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आई शेडो पैलेट का रिव्यू, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं इस पैलेट का रिव्यू। सो गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं या टीनेजर्स हैं, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको कम पैसों में अच्छी चीज चाहिए तो मुझे नहीं लगता हिलेरी रोहुडा के इस पैलेट से अच्छी और कोई डील हो सकती है गाइस, क्योंकि ये पैलेट इतना अच्छा है, इसके शेड्स इतने प्यारे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज मिल जाएगी, आपको यकीन भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप जितने का पिज्जा खा लेते हैं ना, उससे भी कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है, और वो भी इतने अच्छे ब्रांड का, इतनी अच्छी क्वालिटी का। लाइक जो भी आपको चीजें चाहिए, जो भी क्वालिटीज एक पैलेट में होनी चाहिए, वो सभी शेड्स इसमें अवेलेबल है। और फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन को ध्यान में रखकर ये शेड्स अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत ही बेस्ट पैलेट है गाइस। प्लीज इसे एक बार जरूर परचेज कीजिए, मैं आपको इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। तो चलिए, मैं इतनी तारीफ इसकी कर चुकी हूँ तो इसके शेड्स भी आपको दिखा देती हूँ, और इसे ओपन कर दिखाती हूँ। मैं आपको इस तरह से तो ये शेड नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसके शेड्स को अच्छे से जाने, अच्छे से देखें आप इसके शेड्स को, और इनकी पिगमेंटेशन को भी जरूर चेक करिए। तो चलिए क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ इसे ओपन कर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पैलेट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या खूबियां हैं इस पैलेट की। सबसे पहली बात, मैं इस पैलेट को जो मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे देखते ही इतना प्यारा लगा था, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल लगे थे इसके शेड्स कि देखते ही मैं पागल हो गई थी, सच में क्रेजी हो गई थी इनके शेड्स को देखकर। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पैलेट की ये लगी थी गाइस कि ये हिलेरी रोहुडा का है, इतना अच्छा ब्रांड है इसका, और इतने अच्छे इसमें कलर है कि आप देखते ही फ्लैट हो जाएंगे इस कलर्स पे। मुझे बहुत ही पसंद आए थे इसके शेड्स, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे इस तरह के कलर आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग इसकी काफी अच्छी है, तो काफी केयरफुली मुझे मिला था ये, मतलब बबल रैप में अच्छे से नाइसली पैक होकर आया था। तो ऐसा नहीं था कि ये आपका प्रोडक्ट जो है डैमेज था या कहीं से टूटा फूटा था, तो ऐसा नहीं है, अच्छे से मुझे पैक होकर मिला था ये, और सही सलामत कंडीशन में मिला था। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, और कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। 16 इसमें टोटल आई शेडो कलर्स मिल जाएंगे आपको, हिलेरी रोहुडा का ये ब्रांड है। टोटल जो वेट है इसका 20.8 ग्राम इसका नेट वेट है, और पीछे सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, और ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं गाइस कि इसका जो आपको ओरिजिनल प्राइस है वो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 199 रुपीस में ये मिल जाएगा आपको। और इसके लिए मुझे ऑनलाइन अगर मैंने परचेजिंग की है तो सिर्फ शायद 11 रुपीज ही मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, फिर भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं इसकी परचेज लिंक आपको दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा गाइस, अगर आप बिगिनर्स हैं, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्ट मतलब नहीं परचेज कर सकते हैं, और आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कम पैसों में, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी और कोई डील हो सकती है गाइस। आपको कम पैसों में इतना अच्छा ब्रांड मिल रहा है और इतने सुंदर शेड्स मिल रहे हैं, आपको इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए गाइस, मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। तो चलिए अभी मैं इसकी पिगमेंटेशन वगैरह आपको दिखा देती हूँ, इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, वाओ, OMG गाइज, जब मैंने इसको रिसीव किया था इस प्रोडक्ट को, तो तभी से मेरे मुंह से ना यार इतनी बार OMG निकल चुका है। मेरी बेटी भी परेशान हो चुकी है सुन सुन के कि मम्मा आप इतनी बार की बोल रहे हो, वो अभी छोटी है तो इतनी ज्यादा उसे पता नहीं है। तो मैंने उसे बोला, बेटा मुझे इसके शेड्स इतने प्यारे लग रहे हैं, ओ माई गॉड क्या शेड्स है गाइज। इसमें आप देख सकते हैं आपको ब्लू कलर का शेड मिल रहा है, पर्पल कलर का शेड मिल रहा है, सभी तरह के शेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक पैकेजिंग में है, और ये देखिए इसके ऊपर भी कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि ये लॉक हो जाता है, ये देखिए, तो अच्छे से लॉक हो जाएगा। आपको इसके साथ कुछ भी ऐसी डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पर्स में इजिली कैरी कर सकते हैं, ट्रेवल में कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल तो आपको देखिए रहना ही पड़ेगा, आखिर है तो प्लास्टिक पैकेजिंग ही, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी इजिली ये ओपन हो जाएगा और आपको परेशानी होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह की इसमें टोटल आपको 16 शेड्स मिल जाएंगे, आपको इसमें रेडिश कलर का शेड मिल जाएगा, रेड सा कलर है, और सबसे अच्छी बात है इस कलर में पार्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे, कैमरा आई थिंक दिखा पा रहा होगा। तो ये देखिए, मैंने अभी तक इस पैलेट को यूज नहीं किया है, ये देखिए ये शिमर शेड्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो जो कि काफी अच्छा है एक बात है, क्योंकि आप इसमें
ओनली अगर आप इस शेड्स को भी लगाते हैं अपनी आईज पर तो काफी अच्छा लगेगा। तो इसमें पिंक कलर भी है और डार्क पिंक कलर भी है, आप देख सकते हैं पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, और पर्पल के इसमें आपको दो शेड मिल जाएंगे। ये देखिए लाइट और डार्क पर्पल कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात गाइज इस पैलेट की मुझे ये लगी थी कि इसमें आपको जो लाइट ब्लू कलर मिल रहा है, एक मैट शेड है, एक शिमर शेड है, अगेन एक मैट शेड है ग्रीन और फिर शिमर शेड है, इसी तरह से गोल्डन है, तो ये आप गोल्डन येलो सा देख सकते हैं कुछ शेड है, और इसी तरह से गोल्डन शिमर शेड है। तो इसमें आपको शिमर शेड भी साथ में मिल रहे हैं और मैट शेड भी आपको इसमें साथ में मिल रहे हैं, और ये शेड गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये ट्रांजिशन कलर आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशन कलर, बहुत ही प्यारा शेड आएगा गाइस। कुछ ये ऑरेंज पीची सा शेड है जो कि हम जब अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये या इसमें टोटल 16 शेड्स हैं, मुझे काफी अच्छा लगा ये पैलेट गाइस, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं इसी आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ, तो मैं आपको ये कलर दिखा देती हूँ, ये ऑरेंज कलर है। तो अभी तो मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, मैं यहां लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए ओ माय गॉड कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। तो चलिए मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ, ये देखिए ओ माय गॉड वन स्वाइप में ही कितना प्यारा शेड दिया है गाइस। ये देखिए पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, और इसकी हेल्प से, इस आई शेडो पैलेट की हेल्प से मैं बहुत जल्दी एक मेकअप लुक भी करने वाली हूँ, तो उसमें ये और अच्छे से आप कलर जो है देख पाएंगे। तो ये देखिए पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, शिमर शेड्स की भी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है और इन शेड्स की भी, और आगे भी आप मेरे वीडियोस में इस पैलेट की हेल्प से मैं काफी सारे मेकअप लुक क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी गाइस। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर करूंगी। सो देखा गाइज आपने कितना अच्छा पैलेट है यार, प्लीज इसे एक बार जरूर परचेज कीजिए। मैं आपको इस तरह से भी इसे ओपन कर दिखा देती हूँ एक बार। वाओ ये देखिए OMG क्या शेड्स हैं यार, मतलब सच में बहुत पसंद आए हैं मुझे इसके शेड्स। सबसे अच्छी बात है इसकी पैकेजिंग भी काफी स्टडी है, लुक हो जाते हैं ये देखिए, और इसके शेड्स तो ओ माय गॉड, जो भी आपको शेड्स चाहिए ना, इसमें शिमर शेड्स भी हैं, मैट शेड भी हैं, आपको मैट शेड के साथ शिमर शेड भी मिल रहा है सेम कलर का। ये सबसे अच्छी बात है कि जिस कलर का ये देखिए, ये जो ग्रीन सा कलर है, सी ग्रीन कलर है, आप इसको देख सकते हैं मैट शेड है, और साथ ही इसमें आपको शिमर शेड भी मिल रही है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी है इन पैलेट्स की। तो और आपको इसमें और भी काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे, मुझे तो इस तरह की कलरफुल आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। वैसे आपके पास न्यूट्रल शेड्स भी होने चाहिए आई शेडो में, क्योंकि उनसे आपको ट्रांजिशन कलर यू नो जो भी अपनी आईज पर यूज करते हैं क्रीज लाइन पर, वो उसमें शेड्स होते हैं उस तरह के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही आप उन पैलेट्स की हेल्प से स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल आई लुक अगर करना चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उस तरह के पैलेट भी है मेरे पास, और ये भी मेरे पास पैलेट चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे इसके शेड्स, देखते ही पसंद आ गया था। और ये देखिए इस तरह से लुक हो जाता है, ये देखिए। तो आप इसे अपने पर्स में इजिली कैरी कर सकते हैं, और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है। तो प्लीज गाइस मैं इस पैलेट को आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। सो गाइस ये था मेरा आज का हिलेरी रूड आई शेडो पैलेट का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और गाइस अगर आपको चैलेंज देखना चाहते हैं जो कि मैं लाइव में चैलेंज करूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी गाइस। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।